राजस्थान में इस बार राज बदलेगा या रिवाज, ये तो 3 दिसंबर को तय होगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में बीजेपी के लिए शुभ संकेत हैं। करीब करीब तमाम एग्जिट पोल्स राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनवा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। वसुंधरा राजे को भले चुनाव से पहले चेहरा नहीं बनाया गया, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अब वो भी इस रेस में सबसे आगे है। लेकिन अगर पार्टी वसुंधरा को कमान नहीं सौंपती है तो फिर राजस्थान में बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा? ऐसी स्थिति के लिए भी कई नाम रेस में बताए जा रहे हैं और उन्हीं नामों में एक नाम है महंत बालकनाथ का। ये वही बालकनाथ हैं जिनका नामांकन भरवाने खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। बीजेपी ने महंत बालकनाथ को इस अलवर जिले की तिजारा सीट से विधानसभा चुनाव में उतारा है। सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि बीजेपी उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाकर यूपी वाला प्रयोग कर सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबा बालकनाथ कौन है और क्यों उन्हें राजस्थान का योगी कहा जाता है। महंत बालकनाथ की कहानी भी बहुत हद तक योगी आदित्यनाथ जैसी ही है। ऊपर से नीचे तक वैसी ही भगवा वेशभूषा, वैसा ही कट्टर हिंदुत्व का चेहरा और वैसी ही फायर ब्रांड छवि। बालकनाथ का जन्म राजस्थान के बहरोड़ के कोहराणा गांव में साल 1984 में एक हिंदू यादव परिवार में हुआ था। बचपन में एक बाबा ने उन्हें गुरुमुख नाम दिया। 6 साल की उम्र तक वो एक आश्रम में रहे और उसके बाद महंत चांदनाथ के साथ हनुमानगढ़ जिले के मठ चले गए। यहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और बाबा बालकनाथ नाम मिला। मठ के महंत चांदनाथ ने उन्हें साल 2016 में बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उस समारोह में योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव भी पहुंचे थे। साल 2018 में महंत चांदनाथ के निधन के बाद बालकनाथ नाथ संप्रदाय के 8वें मुख्य महंत वो बन गए। बालकनाथ के गुरु अलवर से बीजेपी के सांसद भी थे। उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। इसके बाद साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को चुनावी मैदान में उतारा। बालकनाथ को महंत की गद्दी के साथ साथ गुरु की राजनीति विरासत में संभालनी पड़ी। बालकनाथ 3,30,000 वोटों से भारी अंतर से जीतकर लोकसभा पहुंच गए। उन्होंने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह को हराया था। सांसद रहते हुए साल 2023 के जनवरी महीने में महंत बालकनाथ एक DSP को धमकाने को लेकर सुर्खियों में रहे थे। एक मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद बालकनाथ थाने में घुस गए और DSP को हड़का दिया। बालकनाथ ने DSP को कहा, मेरा नाम याद रखना, 3 लोग मेरी लिस्ट में हैं, एक यहाँ का विधायक, दूसरा पुराना SHO और अब तुम। बालकनाथ ने DSP को यहाँ तक कहा था कि 9 महीने बाद राजस्थान में सरकार बदल जाएगी और हमारी सरकार सत्ता में आएगी, तब बताऊंगा तुझे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। अपनी इसी फायर ब्रांड छवि के चलते बालकनाथ अपने चाहने वालों में खूब लोकप्रिय है। अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर भी बाबा बालकनाथ की छवि योगी आदित्यनाथ जैसी ही है, इसलिए उन्हें लोग राजस्थान का योगी कहकर बुलाते हैं। खुद बालकनाथ कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनके बड़े भाई हैं, क्योंकि दोनों एक ही संप्रदाय से हैं। हाल ही में बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था और फिर तिजारा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ाया। ऐसे में इन दिनों बाबा बालकनाथ का नाम राजस्थान के संभावित मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर चर्चा में है। अगर सियासी पकड़ की बात करें तो अलवर जिले की सभी विधानसभा सीटों के साथ साथ हरियाणा के वोटर पर भी उनका प्रभाव है। बाबा बालकनाथ यादव यानी OBC समुदाय से आते हैं। दक्षिणी हरियाणा में इस समुदाय की बड़ी आबादी है। ऐसे में बीजेपी अगर उन्हें राजस्थान की कमान सौंपती है तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा के चुनाव में इसका सीधा फायदा पार्टी को मिल सकता है।